योगा टीचर श्री राम वाटिका हरिओम योगेंद्र इंदौर से बोल रही हूँ। वर्तमान समय में जो लॉकडाउन के कारण स्थिति बनी हुई है उस पर आम लोगों की मानसिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके विषय में इस संदर्भ में आपसे मैं भी चर्चा करना चाहूंगी। वर्तमान समय में जो विश्व पर आपातकालीन स्थिति छाई हुई है, विशेषकर पुरुष जो कि घर में रहना पसंद नहीं करते थे, आज लॉकडाउन के कारण उन्हें घर में रहना पड़ता है। स्थिति यह हो चुकी है कि ज्यादातर लोगों की मानसिक स्थिति डगमगा गई है। लेकिन इस भीषण आपदा के समय हमें अपना मनोबल पूरी तरह से बनाए रखना है और सकारात्मक सोचना है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये समय परमात्मा ने हमें दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति को पहचानें। वर्तमान समय की नई जनरेशन भूल चुकी थी रामायण क्या है, कृष्ण कौन है, महाभारत क्यों है। इन सब बातों को जानने के लिए प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि हम पहचान। मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी भारतीय संस्कृति को आप लोग पहचाने, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने घर के माहौल को पूरी तरह से सकारात्मक रखें और जो चीजें आपको नकारात्मक की ओर ले जाती हैं, नेगेटिव खबरें हैं, उनसे आप दूरी बनाकर रखें। यदि समाचार सुनने से, पेपर पढ़ने से, घर के कोई माहौल ऐसा जो आपको परेशान करता है उस माहौल का आप त्याग कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप सकारात्मक चीजें सोचें, किसी भजन को गुनगुनाते रहें, गाने को गुनगुनाते रहें, डांस करते रहें, ये सब चीजें आप में पावर डेवलप करेंगे और जब आपका पावर डेवलप होगा तो नकारात्मक चीजों का आपके मन पर कोई असर नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत पावरफुल होगी उस पर ये वायरस कोई अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ आप सभी लोग योग अवश्य करें। जब हम शरीर से मन को जोड़ते हैं, शरीर और मन जब आपस में जुड़ता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ए हेल्थी माइंड इज इन ए हेल्थी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। जैसे जैसे हम योग के करीब जाते जाते हैं वैसे वैसे ये नकारात्मक का हमारे शरीर से मन से कोसों दूर चली जाती है। सभी से कहना चाहूंगी कि आप स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम करें। 10 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम का गुंजन करें जिससे हमारी मन स्थिति मजबूत हो। हम उच्चैः प्राणायाम करें जिससे हमारी गले पर सकारात्मक असर पड़े। आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे करें, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे। आप आंख बंद करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे और 3 बार ओम का गुंजन करेंगे। कैसे करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे ऐसे 3 बार आप उच्चारण करेंगे, फिर आपकी दोनों दांतों की जिह्वा को आप बीच में स्थिर कर लें, ना तालू में लगने दें, ना नीचे जाने दें और काउंटिंग करेगी श्वास अंदर जा रही है, शांति बाहर आ रही है ए, श्वास अंदर जा रही है, शांति बाहर आ रही है 2, श्वास अंदर जा रही है, राम बाहर आ रही है 3, फिर श्वास अंदर जा रही है, आनंद बाहर आ रही है 4। ऐसे आप 50 तक की गिनती करें और ये संकल्प लेंगे कि 50 तक की गिनती में मेरी जिह्वा को ना मैं तालू में लगने दूंगी या ना नीचे लगने दूंगी। 50 की गिनती के बाद आपकी जिह्वा जहाँ जाती है उसे जाने दीजिए और शांत भाव से अपने शरीर को देखिए, सिर्फ आती जाती श्वास को देखिए।
ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन मैंने आपको बताया है, मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ यह है। और इसके साथ एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ और वज्रम पाठ का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी ही वो शक्ति है जो मानसिक शक्ति के देने वाले देवता है। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, ये शर्त लगाकर मैं आपसे कहती हूँ, उसे डिप्रेशन नाम की चिड़िया उसके जीवन में नहीं आएगी। और जब जब भी प्रकृति पर प्रहार होता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है और किसी ना किसी तरह से वो विनाश का कारण बनती है। वर्तमान समय में हमने देखा है हमारी प्रकृति पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत कुठाराघात हुआ है, लेकिन आप लोग डरे नहीं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, हमेशा सुबह उठें, ईश्वर को नमन करें। सबसे कह रही हूँ, सुबह सुबह उठिए आप लोग, सबसे पहले आपका जो भी ईश्वर है, इसके गुरु है, आप नमन करें और अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखें और महसूस करें कि परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे साथ हैं और पूरा दिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी से मैं भरपूर रहूंगा, नकारात्मक विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। ऐसे हाथ को रखकर 5-7 मिनट ओम 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 का जप करें। ओम वो महामंत्र है जो आपको शक्तिशाली बना देगा। इसके साथ ही आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव महसूस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, कुछ हमारी भारतीय औषधियाँ आयुर्वेद में है, जैसे गिलोय है, चिरायता है, उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, ये सब चीजें डालकर पहले मैश कर लीजिए मिक्सर में, फिर बॉइल्ड करके इसका काढ़ा बनाकर घर के सभी लोगों को दीजिए। रात को सोते समय आप लोग हल्दी का दूध जरूर लें। और मैं कह रही हूँ, अभी आर्थिक मंदी बहुत आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिट उठेंगे, खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना लक्ष्य हम हासिल करेंगे। लक्ष्य ना उछल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं। मेरे गुरुदेव को मैं नमन करती हूँ, हनुमान जी को नमन करती हूँ और सबको कहती हूँ कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तो सुबह का इंतजार कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुदेव नमः, हनुमान जी की जय।